बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, जेके न्यूज़ नेटवर्क के सभी नाज़रीन तक अपने मेज़बान सैयद तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, हफ्तावार खेल शुमारे में आप सभी का इस्तकबाल है। अमूमन हम बात करते हैं क्रिकेट के मुतल्लिक, फुटबॉल से मुतल्लिक, वॉलीबॉल से, लेकिन एक हफ़्ते से हम सीरीज़ चला रहे हैं कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में जो तब्दीलियाँ आई हैं उसको लेकर अब जो नया टीम है वो किस तरह का अब मैदान सजाएगा खिलाड़ियों के लिए, इस पर बात थोड़ी देर करेंगे। फ़िलहाल इस्तकबाल करेंगे ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता का, जिन्होंने BCCI की उस टीम का अब जिम्मेदारी उठाई हुई है जो जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एसोसिएशन और बाकी मामलात को लेकर है। ब्रिगेड साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेड साहब, मुझे बताएं कि जिस वक्त JKCA की यह जिम्मेदारी आपको मिली है, आपके साथ और भी यंग टीम है, मिथुन मन्हास हैं, उसके अलावा माजिद डार हैं और भी लोग हैं, मुझे बताएँ कि यह जिम्मेदारी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि क्रिकेट जो है जम्मू कश्मीर में हमने अमूमन देखे हैं कि हम वेट करते रहते हैं टेलीविज़न पे कि कब कश्मीर का लड़का जो है किसी जगह पहुंच जाए। IPL तक पहुंच गए, इंटरनेशनल एक मैच हुआ, नहीं हो पाया। आप इस चैलेंज को किस तरह से लेते हैं? देखिए, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। हमने वास्तव में असल में चैलेंज ही एक्सेप्ट किया है। जब ये ऑफ़र हमें दी गई तो वी एक्सेप्टेड एज ए चैलेंज, और BCCI ने 3 मेंबर्स को चुना है इस सब कमेटी के लिए। जैसा आप जानते हैं कि हाई कोर्ट की डिसीजन के मुताबिक JKCA की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं ये BCCI को डायरेक्ट हैंड ओवर कर दी गई थी, और उसको BCCI के एक 4 मेंबर सब कमेटी थी वो देख रही थी, और कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप अपनी सहूलियत के लिए एक लोकल सब कमेटी भी बना सकते हैं, और इसीलिए उस 4 मेंबर कमेटी ने हम 3 जनों को इस सब कमेटी के अंदर चुना है, जिसमें मैं हूँ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, मैं एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूँ, मेरे साथ इंटरनेशनल क्रिकेटर मिथुन मन्हास हैं जो कि क्रिकेट के बारे में देख रहे हैं, और साथ ही हमारे पास सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी जी हैं जो कि लीगल मैटर्स को देख रहे हैं। हमारी मदद के लिए कश्मीर के अंदर माजिद धार साहब को जो है उनको नॉमिनेट किया गया जो कि कश्मीर के अंदर क्रिकेट अफेयर्स को देखेंगे और सब कमेटी को रिपोर्ट करेंगे। वो सब कमेटी के मेंबर नहीं है, लेकिन वो सब कमेटी के साथ मिलकर काम करेंगे जब तक इंतखाबात हों। हमारा मकसद यही है कि हमने कोशिश करने की जल्द अज जल्द यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाए और इंतखाब कराए जाएं। उसके लिए कोर्ट ने हमें चंद एक मैंडेट दिए हैं, और सबसे ज़रूरी यह है कि हमें कहा गया है कि क्योंकि जो झगड़ा है वो क्लब्स और डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के बीच में है, तो हमें उनके साथ गुफ्तगू करनी है, उनसे बातचीत करनी है, इंट्रैक्शन करनी है, और फिर हमने अपना मन बनाना है कि यहाँ पर क्या सिस्टम होना चाहिए। सिर्फ क्लब्स होने चाहिए या डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन होने चाहिए या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है हम 20 के 20 जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन हैं उनके साथ मिलेंगे, जो 24 क्लब्स हैं उनके साथ मिलेंगे, जो डिस्प्यूटेड क्लब्स हैं उनके साथ मिलेंगे, सबकी जो है उनका मन, उनका माइंड जांच करने के बाद हम अपना एक माइंड बनाएंगे, और उसको वो हम रिकमेंडेशन सब जो है सब कमेटी की तरफ से जो वो BCCI को देंगे, और जैसा BCCI फैसला करेगा उसके मुताबिक आगे काम होगा। ब्रिगेड साहब, पहला ऑर्डरनामा कल हमने देखा, और आपने लगातार जो क्रिकेट एसोसिएशन के जो हमारे खिलाड़ी हैं जिनका 14, 17, 23 या रांची क्रिकेट में उनकी जगह है, वो लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा ना लें, क्योंकि लोकल टूर्नामेंट जो होते हैं वो यहाँ की बुनियाद मानी जा रही है, हालांकि वो एक्रेडिटेड क्रिकेट नहीं है, वो अपने लेवल पर अपने तरह से खिलाते हैं। कई बार हमने देखा कि मैटिंग विकेट लगाई जाती है जिससे जो टर्फ क्रिकेट होती है वो मुतासर हो जाती है। क्या इस ऑर्डर को मॉडिफाई करने की गुंजाइश है, या क्लियर क्रिस्टल है कि जो जो कि JKCA का खिलाड़ी है वो लोकल टूर्नामेंट में हिस्सा ना ले? देखिए, ये ऑर्डर जो है वो सही तरीके से समझा नहीं गया है। जी, ऑर्डर का जो मकसद ये था कि जो JKCA और BCCI के रजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं उसमें अंडर 14 वगैरह शामिल नहीं होते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने JKCA की टीम रिप्रेजेंट की है और BCCI का स्पॉन्सर टूर्नामेंट्स खेले हैं। वो प्लेयर्स बिना JKCA की इजाज़त लिए किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकते जो कि JKCA या BCCI रिकग्नाइज टूर्नामेंट नहीं है, क्योंकि ये एक हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये लोधा पैनल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कई लोग, कई क्लब जो हैं वो ऐसे टूर्नामेंट चला रहे हैं जहाँ पर भी लोगों से फीस ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, और जो कि गैर कानूनी है, मैं जहाँ तक कहूँगा काफ़ी हद तक गैर कानूनी है, लेकिन हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। हम तो सिर्फ अपने प्लेयर्स की सेफ्टी के बारे में वरिड हैं। कोविड का सीज़न है,
हम नहीं चाहते, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि इन टूर्नामेंट्स में कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, कैसी ग्राउंड्स में खेला जा रहा है ताकि वहाँ हमारे खिलाड़ियों को चोट ना लगे, हमारे खिलाड़ी कोविड से ग्रस्त ना हो जाएं, इन चीज़ों से बचने के लिए हमने ये नोटिस निकाला है, हमारा मकसद ये है। उसके बाद ये नोटिस निकलने के बाद काफ़ी लीग्स ने हमें अप्रोच किया और कहा कि हम ऑलरेडी टूर्नामेंट चला चुके हैं, हमारा ख़त्म होने वाला है, 70 मैचेस हो चुके हैं, 20-30 बचे हैं। तो हमने आज ही हमारी जो सब कमेटी मीटिंग हुई थी उसमें डिसीजन लिया कि वन टाइम एक्सेप्शन इनको दिया जाए, क्योंकि ये आफ्टर ऑल हम भी तो यही चाहते हैं, हम भी तो प्रमोशन ऑफ क्रिकेट के लिए टैलेंट हंट चाहते हैं, हम चाहते हैं टैलेंट सामने आए, पर हम चाहते हैं कि हर चीज़ जो है वो कानून के दायरे के अंदर हो और इस तरह से हो कि जो प्लेयर्स हैं उनको नुकसान ना हो। तो इसीलिए हमने उनको वन टाइम एक्सेप्शन दे दी है, पर उनको ये कहा कि आइंदा अगर आप ऐसा कोई टूर्नामेंट करना चाहते हैं तो पहले आप हमें इन्फॉर्म कीजिए ताकि हम आपकी पूरे बाईलॉज, आपकी ग्राउंड, आप कैसे चलाएंगे वो सब चेक करने के बाद फिर हम आपको इजाज़त देंगे। तो इस टॉपिक के बाद अब वापस आते हैं, क्योंकि ये बड़ा अहम कंसर्न था, बहुत सारे लोगों का अब अप्रेंशन था कि जब परवेज रसूल, जब बाकी खिलाड़ी किसी गांव शहर में जाते हैं तो एक लोग भी आ जाते हैं, एक उत्साह बन जाता है और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी हो जाती है। उम्मीद की जाती है कि जिन खिलाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट JKCA का, जिन्होंने बड़े लेवल का क्रिकेट टूर्नामेंट खेला होगा, फिलहाल COVID-19 की वजह से ब्रिगेड साहब ने कहा कि हमें उनकी सेहत, तबीयत और माहौल का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि आगे जो हमारे रणजी लेवल के टूर्नामेंट्स होंगे उसमें कई खिलाड़ी जख्मी ना हो, परेशान हो, फिर टीम कमज़ोर हो जाएगी, फिर आगे खेला नहीं जाता। लेकिन जो लीग लेवल की क्रिकेट सीरीज़ यहाँ पर खेली जाती है गांव देहात में, वहाँ पे भी अप्रेंशन है कि फ़ी ज़्यादा ली जाती है और इनाम कम दिए जाते हैं, और ये भी है कि कई बार 6-6 महीने 8-8 महीने टूर्नामेंट चलते रहते हैं, उसके बाद फाइनल मुकाबला किया जाता है। खैर, एक कोशिश उनकी तरफ से भी थी, वो एक एंटरटेनमेंट के लिए अब वहाँ गांव शहर में खेले जाते हैं, अब प्रोफेशनल लीग के जो खिलाड़ी उन्हें NOC लेना होगा और उसके बाद वापस आना होगा अपने टेस्ट वगैरह के साथ, उसके बाद उसे टीम में दोबारा लाया जा सकता है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की तारीख बहुत पुरानी है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से लेकर इमरान रजा अंसारी और बहुत सारे प्रेजिडेंट्स आए और उसके बाद इंतखाबात भी हुए, हालांकि JKCA का स्कैम केस जो है अभी भी ज़ेर-ए-इल्तवा है और इस पर भी बातचीत करेंगे। गुप्ता साहब, जिस वक्त आप क्रिकेट की बहबूदी के लिए, मैं तसदुक साहब आपको एक चीज बताना चाहूँगा, जी जी, जम्मू कश्मीर क्रिकेट जो है वो बहुत पुराना है, आप शायद नहीं जानते कि 1933 में जम्मू कश्मीर स्टेट क्रिकेट टीम क्रिकेट टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले चुकी है, और इस स्टेडियम में बैठ के वेस्ट इंडीज इंडिया का मैच भी हुआ, मैं तो 1933 इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ, और 1939 के अंदर BCCI बनी, तो BCCI बनने से पहले जम्मू कश्मीर क्रिकेट था, पर फॉर्मली जो है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन वो 1957 में बनी थी और 1959 में रजिस्टर हुई थी, तो काफी पुरानी एसोसिएशन है ये। उसके बाद जो ब्रिगेड साहब सफर रहा, जिस वक्त हम अपनी भर्ती उम्र की बात करते हैं, जिस वक्त हम यहाँ स्टेडियम में खेलने आते थे, जिस वक्त हमने गुज़श्ता 20 बरसों के मुश्किल हालात में भी क्रिकेट फुटबॉल को कवर किया रेडियो से, टेलीविजन से, अखबार से, ये जो ढांचा था, सियासी ढांचा और आज के ढांचे में आप अंतर कहाँ पे देखते हैं? ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, जहाँ पर जो लोग भी एसोसिएशन के इंचार्ज बने उन्होंने सियासत करना चाहिए खेल के साथ, खेल को बढ़ावा देने के बजाय उन्होंने अपनी सियासी इमेज को बढ़ाने की कोशिश की या फिर अपनी सियासी पार्टियों को मदद करने की कोशिश की, जो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उससे इस खेल को, नहीं तो आज जम्मू कश्मीर का क्रिकेट कहीं ना कहीं का कहीं पहुंचा होता। आज जम्मू कश्मीर के अंदर आप इस प्रकार का स्टेडियम नहीं देखते, जिस प्रकार का फंडिंग JKCA को BCCI ने किया है, अगर वो सारा पैसा क्रिकेट में लगाया जाता तो शायद आज यहाँ पर एक ऐसा स्टेडियम होता कि हम हर साल यहाँ पर इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है वो कर सकते, पर ऐसा हुआ नहीं। और आप जानते हैं वो पैसा कहाँ गया, अभी एक केस भी चल रहा है, कुछ फ्रॉड केसेस भी चल रहे हैं, तो कहने का मतलब यह है कि जो पैसा जिस मकसद के लिए आया था उस मकसद के लिए इस्तेमाल ना करके दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे कि खेल बहुत पीछे पिछड़ गया है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए क्रिकेट के लिए वो यहाँ पर खिलाड़ियों को मुहैया नहीं किया गया। हमारी कोशिश है कि टोटल ट्रांसपेरेंसी के साथ हम क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, जो यहाँ का सिलेक्शन सिस्टम था उसमें ट्रांसपेरेंसी लाएं, हम टैलेंट हंट करें। हमने इसीलिए शुरुआत जो की है एक क्रिकेट, सबसे पहली आपने देखा होगा हमारी एक्टिविटी जो है, हमने एक क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी बनाई है जो कि एक्स क्रिकेटर्स की है, और उस क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी का मुख्य काम यही है कि वो सब कमेटी को क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए एडवाइस करेगी, प्रोसेसेस यहाँ पे सेट करेगी, ताकि कुछ ऐसे बाद में जो अगर हम चले भी जाते हैं
तो जो लोग आते हैं वो प्रोसेस के साथ खिलवाड़ ना कर सके और अपनी मर्जी से एसोसिएशन करना चलाएं। एसोसिएशन एक सेट प्रोसीजर और प्रोसेसेस के मुताबिक चलनी चाहिए। वो सारे काम हम जो है कर रहे हैं और हम यहाँ पर लेटेस्ट गैजेटरी जो है, आप देखें यहाँ का स्क्रीन देखिए कितना पुराना स्क्रीन है, मैनुअल है। हम आजकल ऑटोमेटेड प्रोसीजर आ गए हैं, ऑटोमेटेड इक्विपमेंट आ गई है, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेटेड इक्विपमेंट यहाँ पर लाएंगे। आप यहाँ पर देखिए इतनी बढ़िया इक्विपमेंट है हमारे पास, यहाँ स्टोर में पड़ी हुई है अनयूज्ड, क्योंकि उसने कभी किसी ने उसको रिपेयर नहीं करवाने की कोशिश की। आज ही मैंने फ़ोन किया है कि आइए भेजिए, टीम भेजिए यहाँ पर, इसको रिपेयर कीजिए। तो हमारा मकसद है कि इक्विपमेंट को इतना बढ़ावा हम दे सकते हैं, जितनी सपोर्ट दे सकते हैं वो हम देंगे। लेकिन जब आप जम्मू की बात करते हैं, क्योंकि श्रीनगर का स्टेडियम और जम्मू का स्टेडियम, जम्मू के स्टेडियम की हालत भी उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं, जम्मू में स्टेडियम तो है ही नहीं है, जो इतने भी स्टेडियम आप जेकेसीए और जम्मू में कोई स्टेडियम नहीं है। जम्मू में एमएएम स्टेडियम है, वो स्पोर्ट्स काउंसिल का है, जो हमारा जेकेसीए का स्टेडियम है जा रहा था सिद्धा की तरफ, नहीं नहीं वो तो बनने के लायक ही नहीं है। वो ज़मीन जो है वो तवी के किनारे पर है, हर साल इरोजन के साथ ज़मीन घटती जा रही है, वो फ्लडिंग के प्रोन है, और साथ ही साथ वहाँ पर एक रेलवे लाइन है, रोड अप्रोच नहीं है, वो वापस तो नहीं है। मतबादल क्या है, ऑल्टरनेट क्या है? अब हम सरकार से रिक्वेस्ट की हमने कि हमें ऑल्टरनेटिव प्लेस दी जाए ताकि एक जम्मू के अंदर क्रिकेट स्टेडियम बन सके। हम इस स्टेडियम को भी इंटरनेशनल लेवल का बनाना चाहते हैं। तो क्या आने वाले दिनों में हम देख पाएं कि इंडियन प्रीमियर लीग या किसी हाई लेवल का क्रिकेट टूर्नामेंट या मैच वगैरह हों? बहुत कोशिश है हमारी, और अगर हम रहे तो शायद अगले साल तक यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर करवाएंगे। कोशिश हमारी है, हम इसके लिए बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारी जो तमन्ना है कि हमारे प्लेयर्स इस तरह से निकलें, क्योंकि टैलेंट बहुत है हमारे पास, पर कई लोग कहते हैं मौका नहीं मिला। वो इन जो उन सब शिकायतों को दूर करके हम बराबर मौका देंगे ताकि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो नेशनल लेवल पे, आईपीएल में, इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को उजागर कर सके और अपने आप को प्रेजेंट कर सके। क्रिकेट साहब, चूँकि क्रिकेट को जब हम डिस्कस करेंगे तो मुझे बेशतर मौक़ों पर बड़ी नाउम्मीदी हो जाती है कि हमने कुछ दिया ही नहीं, यहाँ से इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना पैसा, इतना कुछ किया वहाँ से, लेकिन इंटरनेशनल टीम को, कुछ कौमी टीम को दे नहीं पाए। क्या आइंदा कोशिश रहेगी? ये किसकी गलती है जो हम खिलाड़ी नहीं दे पाए अभी तक? परवेज़ ने एक आध मैच खेला, और आप 1939 से लेकर अभी तक की बात करते हैं, अभी तक हम खिलाड़ी नहीं दे पाए यहाँ से कंट्री को, वजह क्या है? क्योंकि खिलाड़ियों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, खिलाड़ियों की सियासत की गई, खिलाड़ियों के लिए जो फंड है उनको किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया। हमें चाहिए थे यहाँ आला दर्जे के कोच लाए जाते, यहाँ कोच लाने में भी सियासत की गई, कुछ कोच लाए गए वो भी सियासी कंसिडरेशन पे लाए गए, और उनको लाया तो यहाँ पे रखा, जम्मू नहीं भेजा। देखिए हमें जब क्रिकेट को देखना है तो हमें जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों को देखना है, और तीनों की टैलेंट को देख, आप हैरान होंगे, हम पिछले हफ्ते लद्दाख गए हुए थे, वहाँ पर बच्चों के अंदर जो जोश है क्रिकेट के लिए, हम हैरान होंगे, 11,000 की फीट के ऊपर भी बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है वहाँ पर, वो टैलेंट है, उन्हें दिखाई हमें टैलेंट। हम वहाँ पर भी एक स्टेडियम बना रहे हैं, ले में भी तो हम हमारे जेकेसीए स्टेडियम बनाएगी वहाँ पर, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके उन्होंने हमें जगह दी है वहाँ पे, ऑलरेडी एक स्टेडियम है उसको हम डेवलप करेंगे। इसी तरह से कश्मीर के अंदर भी हम, क्योंकि हमारे प्लेयर्स आगे क्यों नहीं निकल सके, ना उनके पास सही कोचिंग थी, ना सही इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना सही मोटिवेशन थी। हम ये तीनों चीज़ें उनको देंगे, कोचिंग भी देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देंगे, मोटिवेशन भी देंगे। और क्या इस तरह की कोशिश है कि जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन हमारी हैं, अब जिस हालात में जैसे भी वो यूसुफ स्पोर्ट्स के स्टेडियमों के आसपास ही प्रैक्टिस करते थे या टूर्नामेंट्स वगैरह कराते थे, क्या वो कोऑर्डिनेशन जो होगा जेकेसीए सोनवार, जेकेसीए जम्मू, जेकेसीए लद्दाख, आपकी कमेटी के साथ उन डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को भी एतमाद में लिया जाएगा या ढांचा तब्दील होगा सारा? देखिए इसके ऊपर अभी हमने गौर नहीं किया है, क्योंकि जो आउटगोइंग कमेटी थी उन्होंने काफ़ी MOUs जो है स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ टाई अप किए हुए हैं जी। पर उन्होंने जो किए हैं MOUs उनमें कुछ कमियां हैं। एक तो सारी की सारी जिम्मेवारी जो है वो JKCA ने ली है, स्पोर्ट्स काउंसिल को जिम्मेवारी नहीं ली है सिर्फ ग्राउंड देने के अलावा, जबकि स्पोर्ट्स काउंसिल के पास भी प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स आ रहे हैं, लेकिन वो फंड्स इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। फंड्स वो चाहते हैं JKCA इस्तेमाल करे, तो वो हम एक स्टडी कर रहे हैं। दूसरा जो ग्राउंड्स जिन पे यहाँ पे MOU बना है वो बहुत छोटी साइज़ के हैं, क्रिकेट के लिए फिट नहीं है, तो फिर तो सिर्फ एक किस्म का हो गया, MOU साइन कर लिया ना आप वहाँ पे मैच करवा सकें, और उन्हीं ग्राउंड्स को इस्तेमाल किया जाता है हेलीपैड के लिए, उन्हीं ग्राउंड्स को इस्तेमाल किया जाता है डिस्ट्रिक्ट कोई फंक्शन होनी है उनके लिए, इंडिपेंडेंट तो सबके लिए। तो हम चाहते हैं कि अगर हमने क्रिकेट को, ठीक है आप प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, लेकिन हमने अगर टूर्नामेंट्स करवाने हैं, अगर हमने चाहता है कि श्रीनगर, जम्मू और लेह के अलावा भी स्टेडियम्स बने, तो फिर हम
गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें वहाँ पर जगह दी जाए, पर पहली कंसिडरेशन हमारी जो होगी जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टेडियम्स हैं इनको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ला सके। वो तो ही सर डेवलपमेंट की बात है, जब आप खिलाड़ियों की बात करते हैं, अभी बीसीसीआई और उसके बाद कुछ टूर्नामेंट्स नहीं हो पाए कोविड 19 की वजह से, अब इस साल के कैलेंडर के लिए टीमें वगैरह वो तैयार है? इस साल का कैलेंडर शुरू आ गया है और सबसे पहला इवेंट एक वुमेन्स कप का है, उसके लिए ऑलरेडी हमने जम्मू में कल पहला कैंप जो है वुमेन्स का लगा लिया है और अभी हम उसके बाद जैसे हमारी सीएससी बनी है वो यहाँ पे भी आएगी, यहाँ के वुमेन्स के साथ भी मिलके यहाँ से भी कुछ प्लेयर्स लेके जाएंगे ताकि हम अपनी टीम तैयार कर करें। उसके अलावा हम अभी कैंप्स लगाना शुरू करेंगे ताकि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी कोचिंग ट्रेनिंग सब की जाए और हम जैसे जैसे कैलेंडर के मुताबिक जो जो टूर्नामेंट हो रहे हैं उसके लिए अपनी टीम्स को तैयार करते जाएँ। साथ ही साथ हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अपनी टैलेंट हंटिंग टीम्स बनाएंगे, जो टैलेंट हंटिंग टीम्स ग्राउंड लेवल पर जाएंगी और वहाँ से रॉ टैलेंट को लेकर वी आर नॉट लुकिंग फॉर क्रिकेटर्स, वी आर लुकिंग फॉर रॉ टैलेंट। ओके, रॉ टैलेंट आएगी उसको हम तराशेंगे, जैसे हीरा होता है ना उसको तराशेंगे, उसको फिर हम खूबसूरत बनाएंगे और फिर हम उसको मौका देंगे कि वो अपने किसी भी लेवल के ऊपर अपने आप को प्रूव कर सके। तो ये रॉ टैलेंट ढूंढने के लिए करना, गुरेज, कुपवारा, साधना, मेंढर, बाकी इलाकों तक भी टीमें जाएंगी। जिस वक्त हमने देखा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ी कोशिशें की, बड़े सुपरस्टार हमने देखे, ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ी देखे जिन्हें रॉ टैलेंट के तौर पर लाया गया था, पॉलिश करके उन्होंने बाद में नाम बनाया, क्या इस तरह की कोशिश टीम बिल्कुल यही होगा। और हम जो कोशिश ये करें क्योंकि हम कुछ डिस्ट्रिक्ट को क्लब करके जोन बनाएंगे और हम जोनल टैलेंट सर्च टीम भेजेंगे करेंगे, अभी हम प्रोसेस कर, हमें एक महीना हुआ है टिकर किए हुए, ये हमारा थॉट प्रोसेस है, हम इसको पूरा कॉन्क्रीटाइज करेंगे, इसको प्रैक्टिस में लाएंगे और आप देखेंगे धीरे धीरे कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो एक्चुअल में क्रिकेट एसोसिएशन है ना कि एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है। बिल्कुल, क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट की बहबूदी के लिए है, ये सियासी अखाड़ा नहीं बनने दिया जाएगा, ये ब्रिगेड साहब का मानना है। लेकिन हम उसी सवाल पर वापस आएंगे कि जम्मू कश्मीर में टैलेंट बहुत ज़्यादा है और खिलाड़ियों में जब आप बॉलिंग का पेस देखते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बर्क रफ्तारी के साथ, और जब बैटिंग देखते हैं, जब आप फील्डिंग वगैरह में खिलाड़ियों को देखते हैं, उतना टैलेंट मौजूद है जिससे हम जम्मू कश्मीर में मुल्क के लिए खिलाड़ी यहाँ से बड़े अच्छे पैदा किए जा सकते, बनाए जा सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन के वक्त वालदैन का, पेरेंट्स का, आम लोगों का राय होती है ये तो ट्रेडिशनल क्रिकेट है जनाब, ए ने खेला अब बी खेलेगा, बी के बाद सी खेलेगा, ये कुछ दिस हैज रिमेनेड कन्फाइंड टू सम पर्टिकुलर फैमिलीज एंड सम पर्टिकुलर टाउन्स ओनली। ऐसा नहीं होगा, ऐसा अब गारंटी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके टीवी चैनल से मैं पूरे जम्मू कश्मीर को ये अश्योरेंस देता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा जब तक हम हैं यहाँ पर, हम टोटल ट्रांसपेरेंसी के साथ सिर्फ टैलेंट, सिर्फ व सिर्फ टैलेंट, जो टैलेंट है जो डिजर्व करता है उसको टीम में जगह नहीं मिलेगी, जो डिजर्व नहीं करता उसके लिए टीम में जगह नहीं है। हम किसी भाई भतीजाबाद में या किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं, हम किसी के दबाव में काम नहीं कर रहे हैं, हम एक पॉलिटिकल बॉडी हैं, हम बीसीसीआई अपॉइंटेड बॉडी हैं, हम आंसरेबल ओनली टू बीसीसीआई, तो हम तो वही करेंगे जो कि, और बीसीसीआई इज मेंट फॉर क्रिकेट, वी आर मेंट फॉर क्रिकेट। ब्रिगेड साहब, डूप टेस्ट पे भी बड़े मामला चले, कई बार खिलाड़ियों की उम्र 18 थी तो 16 खेल रहे थे, 19 थी तो 21 खेलने लगे थे, खैर इस पे तो बड़े खिलाड़ी जो हैं, कई खिलाड़ियों को हमने कुलगाम के खिलाड़ी को वापस लाना पड़ा, उनका जो डेटा बर्थ जो था तो सलाम भर अभी उसको वो हो गया उससे, तो क्या उसका बैन खत्म हो गया, वही था वो ओवर एज था, पर 2 ईयर का बैन उसका खत्म हो गया है, वो आपको खुशी होगी कि वो मुंबई इंडियन के साथ खेल रहा है, उसको मुंबई इंडियन वाले दुबई लेके जा रहे हैं एज ए रिजर्व प्लेयर, नेट बॉलर, और कल ही मैंने उनको परमिशन ग्रांट की है क्योंकि उन्होंने हमसे परमिशन मांगी थी विद द प्रोविजो कि अगर हमें चाहिए होगा तो हमें उसको वापस करेंगे। एक हमारा एक और प्लेयर है युद्धवीर सिंह चारक जो कि आईपीएल खेल रहा है, उनकी तरफ से वो इज मेंबर ऑफ द टीम एंड दे हैव सॉट ए परमिशन कि उसे हमें खेलने दीजिए और अगर आपको किसी मैच के लिए जरूरत होगी तो हम उसको लीव करेंगे, तो वो भी हमने परमिशन दे दी है। और जेकेसीए में तो बड़े खिलाड़ी हैं जो गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, जिन खिलाड़ियों ने खेला है, बड़ी लेवल तक खेला है, उन पे भी नज़र है कि वो अपना सर्विस फर्स्ट, उसके बाद उनकी सर्विस को किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है? देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि अभी हमारा जो जेकेसीए है इसके अंदर मैक्सिमम जो है इनकरेजमेंट एक्स क्रिकेटर्स को दी जाएगी,
चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में, चाहे बिकॉज जो हमारे जॉब होते हैं ऑनररी होते हैं, उनको लिखा जाएगा कि जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं कुछ लोग दूसरे दफ्तर, उनको लिखा जाएगा कि सर्विस समय चाहिए इस, अगर वो इफ दे हैव बीन एक्स क्रिकेटर्स एंड दे आर ऑन अ रिकॉर्ड, क्योंकि अभी लोधा कमेटी ने एवरीथिंग इज पुट इन ब्लैक एंड व्हाइट। अगर आपको टूर मैनेजर जाना है तो आपकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर आप फिजियो, अगर आप ट्रेनर है तो आपकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर आप फिजियो है तो आपकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर आपने एज ए असिस्टेंट मैनेजर जाना है तो आपकी ये एवरीथिंग लेड ऑन ब्लैक एंड व्हाइट। तो वी विल फॉलो दैट, और जो उस आते हैं उस पैनल में आते हैं, देन वी विल ऑल्सो बी लाइक टुडे यू विल सी वी आर पुटिंग एन एड इन द पेपर्स आस्किंग फॉर सिलेक्टर्स फॉर सीनियर एंड जूनियर, सो इट्स अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम। वी विल इनवाइट एप्लीकेशंस, ऑल्दो यू वांट टू अप्लाई दे विल अप्लाई, एंड इफ दे आर फाउंड फिट एंड सूटेबल वी विल टेक देम। एक अहम सवाल है कि जस्टिस लोधा कमीशन की रिकमेंडेशंस का बाकायदा जब हम खर्च करते हैं तो नॉन पॉलिटिकल लोगों के लिए कहा था, क्रिकेट फॉर क्रिकेटर्स, इस पर क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा हुआ, आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए उसमें दो पहलू हैं, क्रिकेट फॉर क्रिकेटर्स इज गुड फॉर प्रमोशन ऑफ क्रिकेट, पर एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सेपरेट इशू। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू मे बी क्रिकेटर, यू मे बी क्रिकेट लवर, यू मे हैव नॉलेज ऑफ क्रिकेट, यू मे हैव प्लेड क्रिकेट, बट यू मे हैव नॉट एक्सेल टू बी एट दैट लेवल। तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज एंड इज आर व्हाट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज आई एम सीइंग हियर नाउ आफ्टर बीइंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन हियर दैट इट्स अ मच मोर डिफिकल्ट जॉब देन आई डिड व्हाइल आई वाज इन द आर्मी आल्सो। टू रन एन इट्स लाइक रनिंग अ कॉर्पोरेट हाउस, नो इतना बड़ा है महकमा है ये, इट्स लाइक रनिंग अ कॉर्पोरेट हाउस, और आपके पास रिसोर्स ज्यादा नहीं है, स्टाफ नहीं है, हमारे पहले तो बहुत स्टाफ होता था, मेरे पास पीए तक नहीं है, सबका मैं खुद हाथ से करता हूँ, तो ये सब करना पड़ता है हम, बिकॉज वी आर ऑल्सो वॉलंटियर्स, एज आई टोल्ड यू हैव टेकन अ चैलेंज, तो हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके कर रहे हैं। आई फील एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी विद द एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड क्रिकेट शुड बी विद क्रिकेट, जैसे क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी है उसमें ओनली क्रिकेटर्स हैं, देयर जॉब इज टू लुक आफ्टर क्रिकेट एंड प्रमोट क्रिकेट, हमारा काम है टू इंश्योर दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज मेड अवेलेबल टू दैम, वट एवर द नीड इज प्रोवाइडेड टू दैम, get them at the best rates, at competitive rates, ensure that there is no corruption, ensure that there is no conflict of interest, ye sari cheeze kaam administration ka dekhne ka hai. To sab aap ye do do job aapko nibhane honge, ek to aap administrator hain, aap cricket ke aapne dekhna hai, dusri taraf sir aapko BJP bhi dekhna hai aur national level pe aap baat cheet bhi karte hain, aap in dono cheezon ko kaise ikattha le payenge? Dekhiye aisa jaisa maine kaha ki jo JKCA hai ye challenge hai, it's a challenge aur being a soldier आई विल नेवर गिव अप ए चैलेंज, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहेगी कि जो चैलेंज मैंने लिया है मैक्सिमम टाइम मैं उसके लिए डिवोट करूँ। पर एज यू आर राइट, आई एम ए स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी ऑल्सो, तो जो जितना भी मेरे पास बाकी समय होगा, और आई एम रेडी टू वर्क 24 आवर्स, स्पोक्स पर्सन का काम क्या होता है, ठीक है, वो मैं काम किसी अपने ऑफिस में बैठ के भी कर सकता हूँ, करूँगा, दोनों का करूँगा, और दोनों के लिए 24/7 डिवोट करके दोनों को निराश नहीं होने दूंगा मैं। क्रिकेट नैरेटर्स के लिए ये बिल्कुल क्लियर होगा कि इसमें गुप्ता साहब जो है वो एज एडमिनिस्ट्रेटर ही काम करेंगे और बिल्कुल अलग जाविये से नहीं देखेंगे कि मैं बीजेपी पे हूँ? जी नहीं, जैसा मैंने कहा कि हम तो सियासत को हटाने के लिए यहाँ पर आए हैं, बीजेपी वर्कर हूँ मैं, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, ठीक है ना, बीजेपी इज एन आइडियोलॉजी, माई आइडियोलॉजी डज नॉट अफेक्ट Sports is without ideologies, without boundaries of ideology, without walls of ideology. Sports is for health, sports is for well-being, career. Sports is for a career. तो हम तो चाहेंगे, when a cricketer comes to me, I don't ask him what is your ideology or which party you belong to. Yes. That's none of my job. And neither he is obliged to tell me, and neither will I ever ask him. हम तो जैसे मैंने कहा, हम purely talent को respect करेंगे, जो जितना talented होगा उसको उतना ही मौका दिया जाएगा। आपका मैसेज क्या होगा अब जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कि ये जो क्रिकेट है इसको आपके लिए सुपुर्द किया गया और इसका रिजल्ट हम बेसब्री से देखेंगे कि ब्रिगेड साहब इसमें कितना रिशेप, रिजाइन, रिलॉन्च किस तरह से करेंगे, और क्या मैसेज होगा आपके जम्मू कश्मीर के जो बॉडीज थी, जब तक इलेक्शन होंगे तब तक आपका रोल जो होगा किस तरह का होगा? मेरा मैसेज सिर्फ एक है, क्रिकेट फॉर क्रिकेटर्स, वी आर फैसिलिटेटर्स, क्रिकेटर्स ने ही जम्मू कश्मीर क्रिकेट को ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, वो उस ऊंचाइयों तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट को ले जाएं, उसको फैसिलिटेट करने के लिए हम किसी भी कसर को नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को इतना समय देने के लिए।
क्योंकि हफ्ता वार शुमारा है, आधे घंटे जम्मू कश्मीर और इंटरनेशनल खबरें क्रिकेट की चलती हैं, लेकिन आज आपके लिए समय आपने निकाला हमारे लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ब्रिगेड साहब ने साफ तौर पर कहा कि ब्रिगेड साहब तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, लेकिन यकीन माने कि जब क्रिकेट की सिलेक्शन होगी, जब क्रिकेट को देखना होगा, तो वो बीजेपी जो है वो थोड़ी देर के लिए अपने साइड में रखेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर वो देखेंगे कि हमने बदलाव लाना है, ये इनका मानना है कि बदलाव लाना है, और जो काफ़ी टाइम से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कुछ स्कैम्स को लेकर भी मामलात हैं और ईडी की तलवी भी कई लीडरान को ही, डॉक्टर अब्दुल्ला समेत कई लीडरान को, लेकिन उसके बाद क्या बदलाव होगा हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि कश्मीर के इस मैदान पर वेस्ट इंडीज़ और भारत के बीच मुकाबला हुआ है, लेकिन उसके बाद उस वक्त का गॉर्डन रेंज के लेवल का साइज़ कितना था और आज का साइज़ कितना, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, हो सकता है कि ग्राउंड का जो लंबाई चौड़ाई उसको भी देखना होगा, लेकिन इंतज़ार यह है, उम्मीद पे दुनिया कायम है कि शायद अब इस स्टेडियम से सिलेक्शन ट्रायल फेयर होगा और जो लड़का ट्रेनी होगा उसका मेरिट जब होगा तब जाएगा, जो लड़का सिलेक्शन कमेटी में होगा उसका मेरिट क्या कहते हैं उस हिसाब से होगा। ब्रिगेड साहब साफ कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो लेजेंड्स हमारे क्रिकेटर हैं उनका तजुर्बा हमें साफ चाहिए, उनको साफ लेकर चलेंगे, चाहे वो जम्मू का हो, लद्दाख का हो, कश्मीर का हो। जम्मू में स्टेडियम बनेगा लेकिन सिद्रा वाला नहीं, उस ज़मीन पर स्टेडियम बनाया नहीं जा सकता है। लद्दाख में स्टेडियम बनेगा JKCA का, जम्मू का भी प्रपोजल है, आइंदा कुछ दिनों में देखते हैं कि किस तरह की डेवलपमेंट होगी। उम्मीद करते हैं कि खिलाड़ियों को वक्त पे फीस मिलेगी, यूनिफॉर्म्स वक्त पे मिलेंगे और तभी जाके ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क के लिए भी रिप्रेजेंटेशन आगे ला सकते हैं। अपने मेज़बान को इमरान तारिक के हमरा तजमल को दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुकाबले में जम्मू कश्मीर क्रिकेट और बाकी टॉपिक्स पर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।